हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग मैं मुदिता आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब लेके आई हूँ लगातार स्टूडेंट्स के बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि मैम कल से स्कूल खुलने वाला है फिफ्थ और फैफ्थ से स्कूल खुल रहे हैं कुछ बच्चों को स्कूल से नोटिस मिल गया और कुछ को अभी तक नोटिस नहीं मिला है तो क्या स्कूल खुलने के बाद भी वर्कशीट्स आएंगी क्योंकि वर्कशीट काफ़ी टाइम से आपको वर्कशीट से सिलेबस कवर कराया जा रहा है अब लगातार बच्चों की क्यूरी है कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो फिर वो वर्कशीट कैसे करेंगे तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई है वैसे मैं बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई कर चुकी हूँ फिर भी लगातार बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपके लिए ये एक इंफॉर्मेशन की छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी जाए तो इसका आंसर है यस जी हाँ वर्कशीट आपकी आती रहेंगी फैब में जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते आपको वर्कशीट से रिवीजन कराया जाएगा और आपकी वर्कशीट जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है फिलहाल के लिए वर्कशीट बंद नहीं होगी ठीक है क्लास टेन के प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए इनफैक्ट तो भी बच्चों को वर्कशीट दी जा रही है आप लोग देख सकते हैं क्लास टेन की वर्कशीट लगातार आ रही है क्लास टेन के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और इनफैक्ट उन लोग के प्री बोर्ड भी हो रहे हैं उसके बाद भी उन लोगों को वर्कशीट दी जा रही है तो क्लास नाइन्थ आपकी भी वर्कशीट आने वाली है दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि स्कूल से सर्कुलर मिला है या नहीं मिला है किस तरीके से स्कूल जाना है तो उसके लिए आपको एक एन जमा करना होगा आपको स्कूल की तरफ से एक फॉर्मेट मिलेगा एप्लीकेशन का ठीक है उस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है उसका एक प्रिंट निकालना है और उसमें अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के उसे सबमिट करना होगा उसके बाद आप स्कूल जा पाएंगे अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें जो स्कूल जाना है कैसे जाना होगा तो देखिए अभी सारे स्कूल बच्चों को क्लास नाइन और क्लास इलेवन को नहीं बुला रहे हैं क्योंकि आपको पता है जो बोर्ड क्लासेस हैं यानी क्लास टेन और क्लास ट्वेल्व इनकी क्लासेस लगातार स्कूल में चल रही हैं तो स्कूल में बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो जाए इसलिए कुछ स्कूल अभी क्लास नाइन और क्लास इलेवन को होल्ड पे डाल रहे हैं कि बेटा अभी आपको नहीं आना है कुछ स्कूल से मेरी बात हुई है वहाँ पे पता चला है कि बच्चों को बुलाया जाएगा बट अल्टरनेट डेज पे बुलाया जाएगा यानी कि आधे आधे स्टूडेंट्स को Uh, मौका दिया जाएगा अल्टरनेट डेज़ पे और कुछ स्कूलों में कहा जा रहा है कि आपको वीक में टू डेज़ या थ्री डेज़ बुलाया जाएगा ठीक है या वीक में अभी एक दिन बुलाया जाएगा कुछ स्कूल अपना टाइम टेबल तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाएंगे तो अलग अलग स्कूल की अलग अलग तरीके हैं कि वो किस तरीके से आपको बुलाते हैं पर ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को एक साथ एकदम से स्कूल जाना पड़े इसलिए वर्कशीट कंटिन्यू रहेंगी सबके पेरेंट्स एन भी साइन नहीं करेंगे इसलिए सारे बच्चे स्कूल तो जा पाएंगे इसलिए आपको वर्कशीट कंटिन्यू रहने वाली है ठीक है दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्जाम अब ऑनलाइन लिए जाएंगे या ऑफलाइन लिए जाएंगे तो देखिए जो एग्जाम है वो आपके ये कहा गया है कि बोर्ड से पहले ले लेना है बोर्ड की डेटशीट आप लोगों ने देख ली होगी चार मई से पेपर है यानी कि मार्च और अप्रैल का टाइम है जब तक पूरे स्कूल के एग्जाम कंडक्ट करा लेने हैं तो इसमें आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में अप्रैल में आप लोगों का मार्च एंड और अप्रैल एक से लेकर 15 अप्रैल तक आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की प्लानिंग चल रही है मार्च आखिरी में एग्जाम शुरू हो जाए या अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम शुड भी ऑफलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के मोड में है सारे स्कूल देखिए जो केवी था केंद्रीय विद्यालय संगठन उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि सारे जो बच्चे होंगे उन्हें वो चॉइसेस देंगे ऑनलाइन ऑफ़लाइन का पर बहुत सारे केवी के स्टूडेंट्स ने कहा कि उन लोग को चॉइस नहीं दी जा रही है उनको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम के लिए कहा जा रहा है ऑनलाइन एग्जाम तभी लिया जाएगा जब बच्चे को कोई स्पेसिफिक रीज़न हो दैट मीन यू सफ़र फ्रॉम कोविड आपकी फैमिली में कोई कोविड से सफ़र कर रहा है यू आर बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर किसी ऐसी जगह से हो जहाँ पे आप नहीं दे सकते ऑफलाइन एग्ज़ाम या फिर आप ऐसे एरिया में आते हो जहाँ कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं या आप खुद सफ़र कर रहे हो तो ही आपको ऑनलाइन का आ, मौका दिया जाएगा अदरवाइज़ आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब के वी ने सर्कुलर जारी किया उसके बाद भी उनसे ऑफ़लाइन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल अदर गवर्नमेंट स्कूल ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है तो इसलिए उन बच्चों के एग्ज़ाम आप सभी के एग्ज़ाम ऑफलाइन ही लेने की पूरी तैयारी है कि आप लोग को ऑफ़लाइन का मतलब है कि इस तरीके से पेपर और पेन किताब पे जाके कॉपी पे जाके आपको लिखना होगा और स्कूल में ही जाके देना होगा आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के लिए आप लोग को प्रिपेयर हो जाना है क्योंकि देखिए डेट शीट अभी ऑफिशियल नहीं की गई है लेकिन अप्रैल आप लोग मान लो मार्च एंड और अप्रैल एक से पंद्रह अप्रैल आप लोगों के एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे क्योंकि मई जून में स्कूल खाली चाहिए 10, ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए कोई अदर क्लासेस स्कूल में नहीं ली जाएंगी इसलिए अप्रैल में नाइन्थ एंड एलेवेंथ आपके एग्जाम हो जाएंगे आई होप अब आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे फिर भी कोई क्योरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और भी कोई अपडेट होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय